हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्नैप इन्फो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके बच्चे का जन्म दिल्ली के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है और आप उसके बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाना चाहते हैं, तो आपको हॉस्पिटल की ओर से एक पर्ची मिलती है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम ऑफिस में जाना होता है। वहां से आपको एक स्लिप मिलती है, एक पर्ची मिलती है कुछ इस तरह की, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके बच्चे का नाम मेंशन नहीं होता है, तो इस केस में आपको अपने बच्चे का नाम ऑनलाइन अपडेट करवाना होता है एमसीडी के वेबसाइट पे जाके। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर तो मोबाइल स्क्रीन पे दिखाता हूं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेनी है। डेस्कटॉप साइट को इनेबल करने के बाद से आपको सर्च बार में आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है mcdonline.nic.in। और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। वेबसाइट ओपन होने के बाद से आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से पेज आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे तीन डिस्ट्रिक्ट की साइटें दी हुई है, यानी कि नॉर्थ दिल्ली की, साउथ दिल्ली की और एक है ईस्ट दिल्ली की। तो दोस्तों, आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट मिला है बिना नेम वाला, उसमें आपको देखना है कि वो किस जोन का है, उसमें कौन सा जोन लिखा हुआ है। जैसे कि मेरे वाले में साउथ दिल्ली लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पे एंटर हेयर पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद से थोड़ी देर वेट करने के बाद से कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद से आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपली जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो गया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया एमसीडी पे पहले, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप बर्थ सर्टिफिकेट में नेम ऐड कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप पहले से रजिस्टर हैं एमसीडी की वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना होगा। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपको सिंपली नीचे आना होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे न्यू यूजर क्लिक हियर फॉर साइन अप रजिस्ट्रेशन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल डालनी होगी। डिटेल चलिए हम एक एक करके डाल देते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होगा, मिडिल नेम डालना होगा, लास्ट नेम डालना होगा, उसके बाद से आपको फादर नेम डालना होगा, जेंडर, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद से आपको सिंपली जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है, तभी आप रजिस्टर कर पाएंगे। ओटीपी को एंटर करने के बाद से आपको सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। आप देख रहे होंगे हमारा जो मोबाइल नंबर है वेरीफाई हो चुका है, आपको ओके करना होगा। उसके बाद से आपको ईमेल आईडी अपना एंटर करना होगा अगर नहीं डाला है तो। देन आपको अपना एज डालना होगा कि आपकी उम्र कितनी है इन ईयर्स। एज एंटर करने के बाद से आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो चुका है, आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सिंपली सर्च ओल्ड डाटा एंड प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना होगा। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो चुका है, आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक कॉलम दिया गया है, यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको दोस्तों वो नंबर डालना है जो कि बिना नाम वाला सर्टिफिकेट है, जो कि आपको एमसीडी की ओर से मिला हुआ है या आपने डाउनलोड किया है। और वो नंबर जो होगा कुछ इस तरह से करके होगा, आपको दिख रहा होगा MCDOL, तो इस तरह से कुछ नंबर होगा आपके सर्टिफिकेट पे, उस नंबर को आपको यहाँ पे डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद से दोस्तों आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक कंसेंट देने का ऑप्शन आ गया है, तो इस बॉक्स को आपको चेक करना होगा। चेक करने के बाद से आपको सिंपली सर्च पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद आपको कुछ इस तरह से एक पेज देखने को मिल जाएगा, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक और कॉलम यहाँ पे ओपन हो चुका है और इसमें आपकी सारी डिटेल शो हो रही होगी, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीज़ें शो हो रही होगी। आपको सिंपली यहाँ पे एक्शन वाले बटन पे क्लिक करना होगा। एक्शन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद से आपको एक ऑप्शन आ गया है व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद से आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से एक पॉपअप आया हुआ है और यहाँ पे मेंशन किया गया है योर सर्टिफिकेट हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना होगा। ओके पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पेज कुछ इस तरह से रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके। लॉगिन करने के बाद से आप देखेंगे जितना भी हमने पहले स्टेप कंप्लीट किया है उसके बाद से जिस पेज पे हम जाने वाले थे वही पेज यहाँ पे फिर से आ चुका है। आपको इसे स्क्रॉल करके इस तरफ आना होगा राइट साइड की ओर। उसके बाद से आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बटन दिया गया है एक्शन वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से आप देख रहे होंगे यहाँ पे चार ऑप्शन आ गया है, व्यू बर्थ फॉर्म, ऐड चाइल्ड नेम और डाउनलोड बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन अभी हमें नेम को ऐड करना है, तो उसके लिए आपको ऐड चाइल्ड नेम पे क्लिक करना होगा। ऐड चाइल्ड नेम पे क्लिक करने के बाद से आप थोड़ी देर वेट करेंगे, कुछ इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा।
आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारी डिटेल ऑलरेडी फिल कर रखी है आपके हॉस्पिटल वालों ने। आपको यहाँ पे कोई भी चीज चेंज नहीं करना है, आपके हॉस्पिटल वालों ने ऑलरेडी सारी डिटेल भर रखी है सही सही से। तो आपको इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने बच्चे का नेम ऐड करना है जिसके लिए कॉलम दिया हुआ है खाली। तो यहाँ पे आपको अपने बच्चे का नेम ऐड करना है। उसके अलावा आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एड्रेस भी दिख रहा होगा। उसके अलावा आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सबसे लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट चूज करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे हमें तीन डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले मदर का आईडी लगाना है, उसके बाद से आपको एजुकेशन प्रूफ ऑफ चाइल्ड यानी कि बच्चे का जो एजुकेशन प्रूफ है उसे लगाना है। उसके अलावा आपको फादर की आईडी लगानी है। लेकिन दोस्तों अगर आपका बच्चा जो है 5 साल से छोटा है और वो स्कूल नहीं जाता है तो यहाँ पे आपको एजुकेशन प्रूफ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मदर और फादर की आईडी लगाने की जरूरत है। तो नीचे आने वैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके दोनों साइड को आपको लगाना है, यानी कि अगर आप आधार कार्ड को लगा रहे हैं तो आधार कार्ड के फ्रंट और बैक दोनों साइड को लगाना है। उसके अलावा जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो पीडीएफ में होगा और जो उसकी मैक्सिमम साइज दी गई है वो 2 MB की है, यानी कि आपकी जो डॉक्यूमेंट की साइज हो वो 2 MB से कम हो जब ही वो अपलोड हो पाएगा। और डॉक्यूमेंट में आप सारी चीज़ें लगा सकते हैं, इसमें आपका है पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। चलिए हम डॉक्यूमेंट को चूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से एक पॉपअप आएगा, आपको फाइल पे क्लिक करना होगा। फाइल पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को चूज़ करना होगा। मदर आईडी चूज़ करने के बाद से आपके अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो उसका आपको एजुकेशन प्रूफ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो उसका एजुकेशन प्रूफ आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको सिर्फ फादर की आईडी लगानी है और मदर की। डॉक्यूमेंट चूज़ करने के बाद से आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से एक पॉपअप आएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक मैसेज आया हुआ है और यहाँ पे लिखा गया है कि बिफोर सबमिट प्लीज़ वेरीफाई दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू हैव बीन फिल्ड इज़ करेक्ट एंड वैलिड फ्रॉम योर नॉलेज। तो अगर आपने सारी डिटेल सही से डाली है तो आपको ओके करना है। अगर आपको लगता है कि अगर आपके डिटेल में कोई मिस्टेक है तो आप इसे कैंसिल करके एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। तो हमने जो डिटेल है बिल्कुल करेक्टली डाला है और डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल करेक्टली चूज़ करा है, तो हम सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद से दोस्तों आप देख रहे होंगे जो हमारा रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और हमें यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको रख लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद से आपको सिंपली क्लिक टू प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना होगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको 10 रुपये की पेमेंट करनी होती है जो कि कंपलसरी है जब भी आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। उसके लिए आपको सिंपली प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ी देर वेट करने के बाद से आप देखेंगे कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर है और अमाउंट जो हमें पे करना है वो 10 रुपये का है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमें 2 गेटवे मिल रहे हैं पेमेंट करने के लिए। आप चाहें तो एक्सिस बैंक वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, आप चाहें तो ICICI पे जा सकते हैं। तो हम चलिए ICICI वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से आपको पे नाउ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारा पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है। आप चाहें तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, EMI में कर सकते हैं या UPI से भी कर सकते हैं। तो अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 ऑप्शन आ रहा है। उसके लिए आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 ऑप्शन आ गया है, रुपए कार्ड का और वीजा मास्टर और मेट्रो कार्ड का। तो आपके पास इनमें से जो कार्ड हो उसे आपको चूज करना होगा। लेकिन मैं जो ये पेमेंट है UPI से करना चाहता हूँ तो UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे जितने भी UPI के एप्लीकेशन होते हैं वो सारे यहाँ पे आ गए हैं, भीम, अमेजन पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। तो मैं जो यहाँ पे अपना पेमेंट करूँगा वो गूगल पे से करूँगा, तो गूगल पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद से गूगल पे का जो UPI ID है यहाँ पे डालने का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको अपने UPI ID का शुरू का ही डिजिट डालना है, उसके बाद से जो @ के बाद होता है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो उसके लिए आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना होगा। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ गया है, तो जो भी आपके @ के बाद लगता हो उसे आपको यहाँ से चूज करना होगा। ये वाला ऑप्शन चूज करने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आप देख रहे होंगे हमारा जो नाम है वेरीफाई होके आ चुका है। उसके बाद से आपको पे नाउ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर वेट करेंगे कुछ इस तरह से एक पेज रिफ्रेश हो जाएगा और जो आपका UPI एप्लीकेशन होगा उसके ऊपर एक लिंक चला जाएगा। यहाँ से आपको सिंपली इसे मिनिमाइज कर लेना होगा। मिनिमाइज करने के बाद से आपको अपना UPI एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। UPI एप्लीकेशन ओपन करेंगे आप यहाँ पे बिजनेस और बिल डिटेल में आएंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जो आपका 10 रुपये का ट्रांजेक्शन वाला डिटेल है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कुछ इस तरह से। आपको सिंपली पे नाउ पे क्लिक करना होगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करनी होगी। उसके बाद से इस एप्लीकेशन को मिनिमाइज करके आपको फिर से क्रोम ब्राउजर पे आ जाना होगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो हमारा ट्रांजेक्शन है बिल्कुल सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे उसका डिटेल भी आ चुका है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो हमारा नेम है बच्चे का वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, पहले जो कि नहीं दिखा रहा था। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़े दिन का वेट करना है, आपके बच्चे का जो नाम होगा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद से आप बच्चे के नाम वाला सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने सभी सवालों के जवाब जल्द से जल्द जान सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और हम मिलते हैं ऐसे वीडियो से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।